जियो सिम के कॉल हिस्ट्री कैसे निकाले। दोस्तों, अगर आप चाहते हो किसी भी मोबाइल का, किसी भी अदर्स मोबाइल में जियो सिम का कॉल डिटेल्स अब निकालना चाहते हो, तो आज इस वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर वो आप कीपैड वाला मोबाइल में अगर यूज़ करते, जैसे कि जियो मोबाइल, उस मोबाइल अगर यूज़ भी करते, तो अपना मोबाइल पे आप कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा किसी भी अदर कोई भी मोबाइल का कॉल हिस्ट्री अपना फोन में आप निकाल सकते हो। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक मोबाइल का कॉल हिस्ट्री जो कि आपने अदर्स मोबाइल पे निकाला हूँ। तो कैसे निकाला वो आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। जियो मोबाइल के जो कॉल हिस्ट्री है, जियो सिम के अदर्स आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी जियो जियो सिम यूज़ करते हो, किससे बात करता है और क्या क्या बात करते हैं, बहुत सारी जो सालों पुराना या 6 मंथ, 2 मंथ, लास्ट मंथ, जो भी जिस मंथ का आप चाहिए उसी मंथ का कॉल जो हिस्ट्री निकाल सकते हो अपने मोबाइल पे। अगर चाहो तो अपना कॉल हिस्ट्री भी आप निकाल सकते हो। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जियो सिम का कॉल हिस्ट्री आप कैसे निकालो। अब यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार से आप जूम करके एक-एक नंबर देख सकते हो, तारीख, डेट और कितना टाइम तक बात हुआ है वो सारा आप अपने मोबाइल पे आप देख सकते हो। कैसे वो आप ये वीडियो आप देखते रहिए, और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप जियो जो सिम का कॉल हिस्ट्री निकालने के लिए माई जियो ऐप जरूरी है। चाहे वो जिस मोबाइल का कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो अपने मोबाइल पे, आप जो कि माई जियो ऐप ओपन करके अपना मोबाइल पे भी निकाल सकते हो। उसके लिए किसी भी मोबाइल के जो आप माई जियो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे माई जियो बोल के सर्च करना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं लाइव प्रूफ पूरा प्रोसेस में बता रहा हूँ, कोई भी वीडियो कट वगैरह कुछ भी नहीं है, आप देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिस नंबर का कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो, जिस सिम का, उसी सिम का जो कि नंबर इधर डाल देना है। ठीक है, तो मैं नंबर डाल देता हूँ। तो नंबर जैसे ही डाल दोगे एक ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, जिस नंबर आप डालोगे उसी सिम पे एक ओटीपी आएगा, चाहे अपना मोबाइल पे वो सिम हो या दूसरे किसी मोबाइल पर सिम हो। ठीक है, उसी नंबर का जो भी कोड है आप यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो वो कोड आप जैसे ही आप एंटर कर दोगे तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे उस मोबाइल का जो कि कितना GB डेटा वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, और उस मोबाइल का इधर पे जो कि सिम नंबर सब कुछ चेक कर सकते हो। और ठीक उसके नीचे आप इधर स्क्रॉल कर दोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा यूजर्स जो कि डिटेल्स, यहाँ पे देख सकते हो यूज डिटेल्स आपको एक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आज किससे बात हुआ है वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। जिस प्रकार से आप यहाँ से अपना डेटा यूज भी देख सकते हो, चाहे वो अदर्स मोबाइल पे अगर डेटा वगैरह सब कुछ यूज कर रहा है, लेकिन आप यहाँ से एक एक डिटेल्स देख सकते हो। और यहाँ पे आप SMS भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे SMS पे जैसे क्लिक करोगे, अगर आज कोई SMS भेजा गया है तो आप देख सकते हो। अगर अदर्स कोई मतलब कुछ अलग डेट का SMS देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। यहाँ पे कॉल डिटेल्स देखने के लिए आपको कॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इधर वो सारा नंबर शो कर लेगा कि आज टुडे कितना नंबर पे कॉल गया हुआ है इस मोबाइल से, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगा आज का, इस मंथ का देख सकते हो। अगर आप इस पिछला मंथ का या ओल्ड कॉल लिस्ट देखना चाहते हो, जैसे 1 साल, 2 साल या इसी साल का कोई भी मंथ का आप कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा डू यू वॉट व्यू डिटेल्स यूजेड, जो कि यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे मिल जाएगा लास्ट 7 डे या 30 डे या आपको 15 डे का भी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे कस्टम डिटेल्स कर दोगे तो यहाँ पे डेट पूछा जाएगा। आप यहाँ से साल वगैरह चूज कर सकते हो, जैसे कि इधर कोई भी डेट आप चूज कर लोगे, जैसे कि मैं अप्रैल 1 तारीख से मैं निकालना चाहता हूँ और आज का डेट के लिए, तो इस प्रकार से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप अगर 30 डे के मतलब आज के लिए आप 30 लास्ट 30 डे के आप 30 डे का जो कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 30 पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप किस प्रकार से आप लेना चाहते हो, कि ईमेल पे जाए वो डिटेल्स, मतलब एक PDF जाएगा ईमेल पे, या अपना इसी मोबाइल पे डाउनलोड करना चाहते हो, या व्यू यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल, तो आप ईमेल सिलेक्ट कर लीजिए, बेटर है। जो भी ईमेल डालोगे उसी मोबाइल पे जो कि कॉल हिस्ट्री जाएगा, मतलब कॉल डिटेल्स पूरा जाएगा। तो आप ईमेल सिलेक्ट करने के बाद इधर नीचे ईमेल सिस्टम यहाँ पे क्लिक करिए, और उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल दे दीजिए। तो अपना मोबाइल का ईमेल, जिस मोबाइल पे आप कॉल डिटेल्स भेजना चाहते हो उसी मोबाइल का ईमेल दे देना है। ठीक है,
तो मैं ईमेल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हैज़ बीन सक्सेसफुल योर ईमेल। तो ईमेल पे जाने के लिए 2-4 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2-4 मिनट के अंदर वो ईमेल चला जाएगा। देखता हूँ ईमेल आता है कि नहीं, तो आपको वेट कर लेना है, ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैं वेट किया तो यहाँ पे एक ईमेल आ गया, जो इसी मोबाइल से एक बिल ऑप्शन आ जाए, जियो कंपनी से आपको भेजा गया। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे उस ईमेल पे पहुँच जाओगे, और इधर नीचे जो कि पीडीएफ मिल जाएगा, इस पीडीएफ पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अपना अपना आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो वो सारा डिटेल्स दिया गया है, और ठीक उसके नीचे सबसे नीचे आपको कॉल डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एक एक नंबर वगैरह आप जूम करके देख सकते हो, इस प्रकार देख सकते हो एक एक नंबर आप जूम करके देख सकते हो, टाइम वगैरह कितना देर तक बाद हुआ है वो सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। इस प्रकार से किसी भी जियो सिम का कॉल डिटेल्स इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो वीडियो पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास जो बेल आइकन है जरूर क्लिक करके रखिए, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।